हाय एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये सिर्फ सरदार डब्ल्यू सी एल का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजन्स है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क उसके बारे में आपको क्लियर आइडिया हो जाए और जो बिग एग्जाम आए डब्ल्यू सी एल का तो उसमें आपका कोई भी नंबर मिस ना हो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन ब्रुक तो यहाँ पे ध्यान सबसे पहले ये देना है कि बहुत बड़ा बाइलॉ है तो इसमें मैं सिर्फ वैसे प्रोविजंस को डिस्कस करूँगा जो कि सरदार एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ना कि फ़र्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के लिए ठीक है सेकेंड क्लास के लिए भी हो सकता है बट सेकेंड क्लास फर्स्ट के लिए डेफ्थ में और सारा चीज़ है यहाँ पर मैं वन, उन उन पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ जो सरदार के लिए इंपॉर्टेंट होंगे है ना क्योंकि ये जो प्रोविजन्स है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्ब थोड़ा वाइड है है ना तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोविजंस को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ठीक है चलिए आगे हैं सभी को ये भी डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहला जो प्रोविज़न है वो ये है ठीक है कि जो ओनर एजेंट और मैनेजर हैं है ना वो लोग क्या करेंगे इंश्योर करेंगे पहला प्रोविज़न्स क्या है ओनर एजेंट और मैनेजर का यहाँ पर बताता दायित्व फर्स्ट प्रोविजन ये है कि जो ओनर होंगे जो एजेंट होंगे ठीक है और जो मैनेजर होंगे ठीक है ओनर एजेंट मैनेजर तो ये क्या करेंगे इंश्योर करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव ए बल्क में हो रहा है इस काम के लिए सिर्फ ट्रेन्ड पर्सन ही ठीक है इम्प्लॉय किए जाए सिर्फ और सिर्फ कौन से पर्सन ट्रेंड पर्सन इस काम के लिए जिनको ट्रेनिंग मिली है ठीक है तो वैसे ट्रेन पर्सन का ही तैनाती इस तरह के कामों में हो यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क में हो और ऐसे पर्सनस का क्या है ऑथराइजेशन भी होना चाहिए बाय द मैनेजर ऐसे पर्सनस का क्या होगा वो ऑथोराइज होने चाहिए इन राइटिंग बाय द मैनेजर नेक्स्ट यहाँ पे ये इंश्योर करेंगे ओनर एजेंट मैनेजर ठीक है कि जो है ना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो यूज किया जाए जो भी पर्सन डिप्लॉय किए गए हैं इस काम के लिए है ना तो पीपी -पी का यूज किया जाए यूज़ ऑफ़ पीपी इसको मैं इरेज कर देता हूँ यूज़ ऑफ़ पीपी ठीक है ये जो ट्रेन्ड पर्सन है जो इस काम के लिए डिप्लॉय किए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क के लिए तो वो पर्सन जो है वो उचित पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ना वो यूज करें उनको मिले ये भी जो इंश्योरिटी किन को करनी है ओनर एजेंट मैनेजर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है फॉर एमएस एग्जामिनेशन वो ये है कि जो इंटायर ऑपरेशन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क है ना जो इंटायर ऑपरेशन है इंटायर ऑपरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क ये जो इंटायर ऑपरेशन है एक्सप्लोसिव का परिवहन का बल्क में ओपन कास्ट माइंस में ठीक है विद इन ओपन कास्ट माइंस यहां पे मैं लिखना चाहूंगा विद इन ओपन कास्ट माइंस ओपन कास्ट माइंस में ठीक है माइंस के अंदर जो इंटायर ऑपरेशन होगा पूरा जो ऑपरेशन होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क वो किसकी ओवरऑल चार्ज में होगा एक सक्षम व्यक्ति के चार्ज में होगा ठीक है किसके चार्ज में होगा एक कॉम्पिटेंट पर्सन के चार्ज में होगा जिसके पास एटलीस्ट ओवर मैन सर्टिफिकेट हो ये नेक्स्ट प्रोविजन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है तो आपसे सवाल में पूछा भी जा सकता है कि जो इंटायर ऑपरेशन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क है ना किसी ओपन कास्ट माइन्स के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव हो रहा है बल्क में तो जो पूरे जो ऑपरेशन हो रहे हैं इसके रिलेटेड वो किसके ओवरऑल चार्ज में रहेंगे है ना ओवरऑल किसके चार्ज में रहेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए ऐसा सक्षम व्यक्ति जिसके पास एटलीस्ट ओवर मैन सर्टिफिकेट हो नेक्स्ट आता है टाइमिंग है ना टाइमिंग यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आप ट्रांसपोर्टेशन कीजिएगा बारूद का है ना बारूद का जो ट्रांसपोर्टेशन कीजिएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन कब करना है दिन में करना है रात में करना है तो ये टाइमिंग जो है ना वो क्या होना चाहिए ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर है ना मतलब दिन में ही आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है नेक्स्ट है बारूद की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए जो बारूद आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना बल्क में उस बारूद की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए तो क्वांटिटी देखिए जो एक टाइम में आप बारूद को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ टू साइट ऑफ ब्लास्टिंग टू द साइट ऑफ ब्लास्टिंग जहाँ पे आपको ब्लास्टिंग करनी है ब्लास्टिंग की जगह में आप जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना बारूद लेके जा रहे हैं तो उसमें बारूद की मात्रा कितनी होना चाहिए इतना होना चाहिए कि जो एक राउंड में खपत हो जाए क्वांटिटी कितना होना चाहिए क्वांटिटी होना चाहिए वन राउंड कंजम्पशन ठीक है मैक्सिमम कितना हो सकता है एक राउंड का जो कंजम्पशन है बारूद का ठीक है उतना आपका क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव होना चाहिए कि एक राउंड ब्लास्टिंग करने में जितने होल्स लग रहे हैं तो सभी होल्स में जितना बारूद लगेगा वो क्वांटिटी से ज़्यादा बारूद आपको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है टू द साइट ऑफ ब्लास्टिंग है ना और टाइमिंग्स में ये भी जान लीजिए कि जो आप ट्रांसपोर्ट कीजिएगा बारूद है ना टू द साइट ऑफ ब्लास्टिंग वो तीस मिनट से पहले नहीं कर सकते हैं बिफोर द चार्जिंग ऑफ होल यहाँ अलग से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चार्जिंग से मिनट से पहले जो बारूद का जो ट्रांसपोर्टेशन है कहा टू द साइट ऑफ ब्लास्टिंग वो आप नहीं कर सकते हैं मतलब आप आधा घंटे पहले बारूद को ले जा सकते हैं साइट ऑफ ब्लास्टिंग में उनतीस मिनट पहले लेके जा सकते हैं 28 मिनट भी पहले जा सकते हैं लेकिन 31 मिनट पहले नहीं ले जा सकते हैं थर्टी टू मिनट पहले नहीं लेके जा सकते हैं तो आधा घंटे से पहले आपको लेके नहीं जाना है है ना आधा घंटा से पहले नहीं आधा घंटा पहले, पहले लेके जा सकते हैं आधा घंटा से कम पहले लेके जा सकते हैं उनतीस मिनट अट्ठाइस मिनट सत्ताईस मिनट लेकिन उससे और पहले एक घंटा पहले दो घंटा पहले वो आप नहीं लेके जा सकते टू द साइड ऑफ ब्लास्टिंग बल्क में बारूद ठीक है नेक्स्ट है जो व्हीकल होना चाहिए वो अप्रूव्ड होना चाहिए कम्प्लेंट अथॉरिटी द्वारा तो इम्पॉर्टेंट है नहीं है ना नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि जो आपका व्हीकल होगा वो तो अप्रूव्ड होना ही चाहिए लेकिन ये डी के द्वारा नहीं है कंप्लेंट अथॉरिटी यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप पढ़ते हैं तो है ना जो कंप्लेंट अथॉरिटी जनरली कौन होगा एक्सप्लोसिव कंट्रोलर्स वगैरह होते हैं जो बल्क मिक्स डिलीवरी बी वगैरह को अप्रूव्ड करते हैं तो जो आपका व्हीकल होगा वो तो अप्रूव्ड होना ही चाहिए और दूसरा जो ड्राइवर है वो ऑथराइज होना चाहिए मैनेजर के द्वारा और उसके पास कॉम्पिटेंट लाइसेंस भी होना चाहिए सक्षम लाइसेंस भी होना चाहिए और इस बी एम डी बल्क मिक्स लेरी बोलते हैं या एक्सप्लोसिव वैन भी बोल सकते हैं आप छोड़िए एक्सप्लोसिव वैन है ना जिसमें बल्क में बारूद का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो जो एक्सप्लोसिव वैन है उसमें कम से कम दो फायर स्टिंगर होना चाहिए एटलीस्ट दो फायर एक्स्टिंग्विशर होना चाहिए एक तो होना चाहिए किसके लिए इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, लिए। यानी ई क्लास का फायर है ना उसको बुझाने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए स्पेशल और दूसरा क्या है पेट्रोलियम फायर के लिए होना चाहिए दूसरा जो है कैसा होना चाहिए पेट्रोलियम फायर को बुझाने वाला होना चाहिए पेट्रोलियम फायर को बुझाने वाला होना चाहिए और ये ईच व्हीकल में आपको देना है है ना प्रत्येक एक्सप्लोसिव वैन जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क हो रहा है उसमें आपको देना है और अगर इम्पोर्टेंट बात बात इसमें की जाए तो इसमें यह है कि इसका स्पीड जो है इसका स्पीड डिसाइडेड है इसका मैक्सिमम जो स्पीड है वो डिसाइडेड है इसका मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं आप चला सकते इसको ओवरलोड करके भी नहीं लेके जाना है है ना और इस गाड़ी को अनअटेंडेंट भी नहीं छोड़ना है ऐसा नहीं कि एक जगह कहीं गाड़ी पार्क कर दिए और कहीं चले गए ऐसा भी नहीं कर सकते हैं आप ठीक है हमेशा एक आदमी यहाँ पे रहेगा ही रहेगा अगर कभी इसको पार्क भी करना हो तो इसके अलावा इसको रिपेयर शॉप गैरेज वगैरह में भी लेके नहीं जाना जब इसमें बारूद भरा हो ना ही इसको भीड़ भाड़ी वाली जगह में पार्क करना है और साथ ही साथ इसका अभी फ्यूल भी नहीं करना है मतलब इसमें पेट्रोल वगैरह की जरूरत पड़ता है ठीक है तो जनरली नहीं भराना लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाती है इमरजेंसी आ ही जाती है बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म हो गया तब आप इमरजेंसी में पेट्रोल भरवा सकते हैं रिफ्यूलिंग करा सकते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा इंजन को आपको बंद करना होगा इंजन बंद कीजिए उसके बाद ही आप रिफ्यूलिंग कर सकते हैं है ना इसके अलावा और क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर माइंग से वो ये है कि जो व्हीकल है इसकी जांच आपको करनी पड़ेगी ठीक है ये जांच कितने दिन में होगी ये 24 घंटे में होती है 24 घंटे में होती है एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा होती है किस लिए होती है कि जो भी फायर स्टिंग सर इस वैन में रखे गए हैं वो सही हालत में हैं भरे हुए हैं इसके लिए होती है इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो इंसुलेटेड है अच्छे से लगा हुआ है ठीक है उसके लिए है चेसिस जो इंजन है जो बॉडी है गाड़ी का एक्सप्लोसिव वैन का वो साफ़ सुथरा हो उसमें सरप्लस तेल या ग्रीस ना लगे हो है ना फ्यूल टैंक और लीक ना कर रहा हो लाइट ब्रेक स्टीयरिंग अच्छे से काम कर रहे हो तो ये सब सही हो इसके लिए यहाँ पे इंस्पेक्शन होती है तो ये वो मोटे मोटी बातें जो आपको डब्ल्यू सी एल के माइकार एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं तो इसमें बहुत सारा ऐसा प्रोविजन्स है पर उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ ठीक है उसमें कई सारे ऐसे भी प्रोविजन्स हैं जो फर्स्ट सेकेंड क्लास के लिए आएंगे इनफैक्ट ये भी आ सकते हैं पर वो पूरा डिटेल जो आपको पढ़ना है ना वो डिटेल फर्स्ट सेकेंड क्लास के लिए पढ़ना है इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगा अगर तो आप माइंसदार के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना सही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत